आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पेश श्वेता कर। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे गोवा, समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सावंत ने दिया ये बयान। लड़कियों की शादी की उम्र 21 पर कैबिनेट की मुहर। हिसार में लाडो पंचायत ने मनाया जश्न। कर्नाटक में प्रस्तावित मतांतरणरोधी विधेयक में अधिकतम 10 साल की कैद और 1,00,000 रुपए तक जुर्माने की सजा का किया प्रावधान। असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल, जब 18 साल में सांसद चुन सकते हैं तो जीवन साथी क्यों नहीं। पंजाब चुनाव में चन्नी ने कहा, बसपा ने पार्टी अकाली दल को बेच दी है। आपको बताया आधुनिक समय की ईस्ट इंडिया कंपनी। पहाड़ों पर भारी हिमपात, लोहरदान में बर्फीला तूफान, बड़ी ठिठुरन, 3 दिन तक शीतलहर का येलो अलर्ट। पटना को मिलेंगे नए एसएसपी, बिहार के 31 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन। पटना में सीआरपीएफ के अधिकारी का वीडियो वायरल, हंगामा मचने के बाद बहादुरपुर थाने में प्राथमिकता दर्ज। नवजोत सिंह सिद्धू के झूठा और धोखेबाज कहने पर अरविंद केजरीवाल ने किया पलटवार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 2022 के लिए कांग्रेस ने बनाई स्ट्रेटजी, शीला दीक्षित का भी होगा जिक्र। चन्नी सरकार का बड़ा फैसला, इकबाल साहूता को हटाया, सिद्धू की पसंद, चट्टोपाध्याय नए कार्यवाहक डीजीपी। हिसार में बीसीसीआई की चुनाव की तैयारियां शुरू, प्रशासक की नियुक्ति के पहले नोटिस भेजकर तलब किया संस्था का पूरा रिकॉर्ड। सरसंघ चालक मोहन भागवत के उद्बोधन से लाभान्वित हुए प्रचारक, राज्यपाल ने की भी मुलाकात। जम्मू कश्मीर में विकास की गति बेहतर, सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए नीति आयोग करेगा प्रयास। सीएम ममता बनर्जी का सिटी ऑफ जॉय को एक खूबसूरत बनाने का वादा, कहा लगेंगे 1 करोड़ पेड़, बढ़ेगा उद्योग रोजगार। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे रनवे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू, चहगांव से ली जाएगी जमीन। यूपी के दोनों सदनों में दूसरा अनुपूरक बजट व लेखा अनुदान पारित, सरकार का दावा, योगी राज में 12 लाख को नौकरियां। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में 2 जनवरी को करेंगे आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सीढ़ी चढ़कर मंच पर पहुंचेंगे, 21 दिसंबर को पीएम का प्रयागराज का आगमन होगा। यूपी में अब गांव में ही बनेंगे आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र।
औरैया में तेज रफ्तार बाइक का हुआ एक्सीडेंट, बाइक सवार एक युवक की मौत। बांदा में तेज रफ्तार का दिखा कहर, बोलेरो ने महिला को मारी टक्कर। बुलंदशहर में थैलेसिया में हत्याए पीड़ित बच्चों की हुई जांच, शिविर के तहत हुई निःशुल्क जांच। चंदौली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर, चलते ट्रैक्टर में घुसी तेज रफ्तार बाइक। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहनों की ली गई तलाशी। संबल में सपा में शामिल हुए शाह फैसला, आप छोड़कर थामा सपा का दामन। अलीगढ़ में आरएलडी और सपाइयों ने किया प्रदर्शन, डीएम कार्यालय का किया घेराव। फतेहपुर में यमुना में डूबने से दो किशोरियों की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। कन्नौज में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, मकान पर किया कब्जा पीड़ित ने, डीएम से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर देहात में हाईवे के किनारे मिला युवक का शव, शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव में हंगामा, फायरिंग में एक अधिमऊ। पति की हत्या से क्षुब्ध महिला ने खाया जहर, तीन बच्चों समेत खाया जहर, इलाज जारी। देवरिया में अपराधियों पर कसा पुलिस का शिकंजा, अपराधी के घर की हुई कुर्की। देवरिया में दो पत्नियों ने किया पति की संपत्ति पर दावा, पत्नियों को समझाने में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले हुए बुलंद, तमंचे के बल पर लूटे 2 लाख रुपए। अलीगढ़ में चारा लेने गई युवती से दुष्कर्म, ग्रामीणों ने एक को दबोचा, एक हुआ फरार। औरैया में देवा मेले की तैयारियां हुई पूरी, मेले को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। बलिया में सपा प्रवक्ता जूहे सिंह ने दिया बड़ा बयान, सपा की ओर से महिला जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। चंदौली में दबंगों के घर में घुसकर की फायरिंग, जमीन को लेकर दोनों पक्षों में चल रहा था विवाद। फरुखाबाद में सैकड़ों की तादाद में चल रहा अवैध नर्सिंग होम, बिना डॉक्टर के इलाज करा रही महिलाएं। फरुखाबाद में कोटेदार की घटतौली का मामला हुआ उजागर, गरीबों में बांटा गया अनाज।
गाजीपुर में भाजपा नेता मुकेश सिंह ने थामा बसपा का हाथ, जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी पर बैठेगी सपना सिंह। कानपुर में नशा विरोधी अभियान का आगाज, लोगों को किया गया जागरूक। मैनपुरी में सपा प्रदेश सचिव का हुआ जोरदार स्वागत, भाजपा सरकार पर किया जोरदार हमला। संबल में राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, राशन कम देने का लगाया आरोप। अल्मोड़ा पहुंचे मनीष सिसोदिया, जनसभा को किया संबोधित। चंपावत में कोरोना का हुआ विस्फोट, नेपाल बॉर्डर पर मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। हरिद्वार धर्म संसद का हुआ शुभारंभ, 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। हरिद्वार में भाजपा करेगी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत, हरिद्वार से रवाना होगी यात्रा। धनौरी में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया, टिकट दावेदारी की जानी जाएगी जमीनी हकीकत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा ही ढोल की पोल खोलने के लिए कांग्रेस करेंगे 7 दिन सभाएं। उत्तराखंड एसटीएफ ने बिहार के नवादा में दी दबिश, 2 साइबर ठगों को धर दबोचा। उत्तराखंड में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले जीजासाला समेत 4 गिरफ्तार। नैनीताल में सर्विस लांस को खोला विवाहिता की हत्या का राज, अभियुक्तों की सजा का भी बना आधार। मरीजों के लिए राहत भरी खबर, दून अस्पताल में खत्म होने वाला है एमआरआई जांच का बस। उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति पर उठ रहे सवाल, कोर्ट में पहुंच रहे मामले। बर्फबारी के साथ हदाहव की चपेट में आया उत्तराखंड, मसूरी में तापमान -1 डिग्री। देहरादून में टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ अभियान, आरटीओ में 2100 की सूची चस्पा, जिसमें 200 हैं बड़े बकायेदार। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती शुरू करने को बेरोजगारों ने किया सीएम आवाज कूच, सड़क पर दिया धरना। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नीदरलैंड में लग सकता है लॉकडाउन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 65 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ओमिक्रॉन के खतरे के बीच WHO ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्सीन टीके को दी मंजूरी। उत्तर कोरिया में लोगों के हंसने या खुश होने पर लगा बैन, नियम तोड़ा तो मिलेगी मौत। इमरान खान पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप, तो मंत्री फवाद हुसैन ने पाकिस्तानी मीडिया को दे डाली धमकी। आतंकगढ़ बन रहा पाकिस्तान मसूद अजहर, जैसे आतंकियों को सजा देने में इमरान खान फेल। अमेरिकी कोर्ट ने बाइडेन के कोविड-19 वैक्सीन जनादेश को लागू करने की अनुमति दी। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का कहर जारी, पहले कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 93,000 नए मामले। श्रीलंका में चीन की मंदिर डिप्लोमेसी, सफेद धोती पहन तमिल हिंदू मंदिर पहुंचे चीनी राजदूत, भारत की इस हरकत पर पैनी नजर। पाकिस्तान ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा, लोकतंत्र सम्मेलन में शामिल नहीं होने को लेकर दी दलील। लगातार तीसरे सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी, गोल्ड रिजर्व बढ़ा। नवंबर में हवाई यात्रियों की संख्या में आया 17% उछाल, कोरोना की मार से ऊपर रहा एविएशन सेक्टर। टीवीएस ने लॉन्च किया स्पाइडरमैन और थार की विशेषता वाला स्कूटर एंटॉर्क 125X मॉडल। पवन हंस की हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को मिली वित्तीय बोलियां, अंतिम चरण में पहुंची विनिवेश प्रक्रिया। रेलवे ने कैंसिल की 196 ट्रेनें, काशी विश्वनाथ समेत कई रूटों की ट्रेनें हो रहेंगी रद्द। एलन मस्क ने अमेज़न की जेफ बेजोस को दी सलाह, कड़ी मेहनत करें और हॉट टब में कम समय बिताएं। प्रधानमंत्री की शीर्ष निवेशकों के साथ मुलाकात, देश में निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए मांगे सुझाव। CNG PNG की कीमत में फिर आया बड़ा उछाल, 4 दिसंबर को बढ़ी थी कीमतें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड से साझेदारी, ग्राहकों को मिल सकेगा सस्ता होम लोन। बाइक या स्कूटर खरीदने का शानदार मौका, हीरो मोटो कप का बम्पर ऑफर। लखनऊ को मिल गया कप्तान, BCCI के बाद फ्रेंचाइजी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। इंग्लैंड पर ICC की डबल मार, पूरी मैच फीस भी कटी, WTC में भी बड़ा नुकसान हुआ। विनोद कांबली ने शेयर की कई साल पुरानी तस्वीर, सचिन तेंदुलकर के अलावा बाकी क्रिकेटरों को पहचानना मुश्किल।
पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने जय श्री राम लिखकर लगाई मदद की गुहार, पाकिस्तान करेगा मदद। रोहित शर्मा ने एनसीए में अंडर टीम 19 के खिलाड़ियों की लगाई क्लास, रिहैब के लिए पहुंचे हैं कप्तान। टीम ने इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, कोहली और द्रविड़ के साथ फुटबॉल खेलता दिखे। लाबुशेन ने शतक जड़ मचा दिया तहलका, डॉन ब्रैडमैन की लिस्ट में हुए शामिल। इंग्लैंड को झटका, आईसीसी ने कहा 5 नहीं 8 अंक का जुर्माना लगा है। पाकिस्तानी ओपनर ने टी20 में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सहवाग गेल और रोहित भी नहीं कर पाए ऐसा। सौरभ गांगुली ने द्रविड़ लक्ष्मण के बाद अब सचिन तेंदुलकर को अहम जिम्मेदारी सौंपने के दिए संकेत। नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी का हुआ रैप अप, फिल्म को विनोद भानुशाली और राज शांडियाल कर रहे हैं प्रोड्यूस। खेसारी लाल का नया गाना रोमांटिक राजा, ले लीजिए शिप्रा गोयल और खेसारी लाल यादव की दिखी शानदार केमिस्ट्री, 2 घंटे में 1 लाख व्यूज। एक्ट्रेस नुसरत जहां ने शेयर की बेटे ईशान की पहली झलक। कियारा आडवाणी ने खरीदी 1.56 करोड़ की ऑडी A8, एक्ट्रेस भी कई कारों की मालकिन। करोड़ के बजट में अंडर वाटर शूट हुई अवतार 2, फिल्म के 5 पार्ट 11,200 करोड़ की लागत पे तैयार होगी। विजय माल्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे सारे एपिसोड। अनन्या पांडे ने मोनोकोनी में दिखाई बोल्ड अदाएं, फ्रूट से तुलना कर उड़ाया खुद का मजाक। अजय देवगन, बोमन ईरानी ने खत की रनवे 34 की शूटिंग। अजय देवगन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शुक्रवार को एक वीडियो शेयर की ये जानकारी। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में होगा धमाका, मेहमान बनेंगे रामचरण और आलिया भट्ट। मिस वर्ल्ड 2021 फाइनल चला, इंडिया की फाइनलिस्ट मनशा वाराणसी समेत 17 कंटेस्टेंट कोरोना पॉजिटिव, प्यूर्टोरिको में होने वाला था इवेंट। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।